हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आई होप ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हियर विद द चैप्टर फर्स्ट एंड एज वेल एज रिवीजन इज गोइंग ऑन अबाउट द ट्रेन, टॉय ट्रेन टू ऊटी. होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर एंड यू ऑल आर डूइंग द रिवीजन ऑल्सो इन एक्सरसाइजेस. ओके, सो टूडे आई एम हियर विद द पेज नंबर 11. दिस पेज नंबर वॉज इन रिमेन टू कंप्लीट इन बुक. So that's why I'm here with today. So all of you, let's take out your English course book and open the page number 11. Okay, where we read about the think and write. Today we have topic about think and write, which is related to your chapter. Writing about a journey means in this exercise we have to write a passage which will be about a journey. Exercise number you have, let's try 9. Start to read from here. Read the names of the stations the toy train travels through the reach Uti. Read the names. आपको सारे names read करने हैं of all the stations. सारे stations के जो कि यहाँ पर दिए गए हैं. Toy train travels, जो कि toy train travel करती है through to reach Uti. मीन्स ऊटी तक रीच करने में, पहुंचने में टॉय ट्रेन जो है कितने स्टेशन्स को क्रॉस करती है, कौन कौन सी स्टेशन्स आते हैं, उनके क्या क्या नेम हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक पिक्चर है और इस पिक्चर में क्या है. ओके, एंड इन दिस पिक्चर यू हैव द स्टेशन्स नेम विच ट्रेवल्स आर द टॉय ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू टू रीच ऊटी. सो लेट मी मेक यू रीड अबाउट दिस फर्स्ट. फर्स्ट नेम फॉन हिल, किटी, लव डेल, ओरोकड्डू, वेलिंगटन, कूनूर रिवर, रेनीमेड, हिल ग्रोव, एड्रेली, कॉलर. एंड नेक्स्ट यू हैव ब्रॉड गोज, मीटर गोज विद रैक एंड पिनियन, हेयर मेट्यूप्लायम, भवानी रिवर, ओके कोयम्बटूर. दिस ऑल आर द स्टेशन्स नेम. So start to read from here. चलिए start करते हैं. Imagine you are traveling by a toy train. Imagine कीजिए, suppose कीजिए आप सब लोग traveling कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं by a toy train, by using toy train. What would you see outside the window? Now आप imagine कर सकते हैं if you are looking outside of the window. सो आप क्या, कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे. वॉट वुड यू हियर, और आप क्या, कैसे कैसे साउंड हियर कर रहे हैं. ट्राई फिलिंग दीज ब्लैंक्स विद द थिंग्स यू इमेजिन. ट्राई फिलिंग दीज मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप सी कर रहे हो आउटसाइड ऑफ द विंडो, ओके फ्रॉम द टॉय ट्रेन, उसको राइट करना है. और जो भी आप हियर कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, उसको भी आपको यहाँ पे सेंटेंसेस में राइट करना है. यू कैन राइट एज मैनी थिंग्स एज यू कैन थिंक ऑफ, और आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो जो कि आप सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ. फ्रॉम द ट्रेन विंडो मीन्स ट्रेन के विंडो से आई कैन सी, मैं देखता हूँ, यहाँ देखिए मैंने फिल किया है, पीपल ऑन द रोड शॉप. पीपल जो हैं वो रोड पे हैं और शॉप भी हैं एक्सेट्रा, ठीक है ना, और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. पीपल जो है कहीं, कुछ पीपल रोड पे हैं, कुछ पीपल शॉप पे हैं, ऐसे ही हैं. नेक्स्ट है आई कैन हियर है आपका. आई कैन हियर मीन्स आप सुन सकते हैं द पीपल टॉकिंग इन द ट्रेन. कुछ लोग ट्रेन में जो टॉकिंग करते हैं उसको आप सुन सकते हैं इनसाइड द ट्रेन. ओके, द पीपल
टॉकिंग इन द ट्रेन मीन्स दोज पीपल हु आर इनसाइड द ट्रेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर यू कैन हेयर आर लिसन दिस टाइप ऑफ वॉइसिस इन द ट्रेन ओके नेक्स्ट वॉट कैन यू स्मेल वॉट कैन यू स्मेल आई कैन स्मेल मीन्स मैं स्मेल कर सकता हूँ क्या कर सकते हैं कॉफ़ी एंड टी मीन्स जो कॉफ़ी टी क्या करते हैं जो सेल करते हैं ना तो उसकी स्मेल भी आपको उसकी स्मेल मिल सकती है फूड जो फूड होती है ठीक है ना उसकी रिफ्रेशमेंट जो होती है उसको भी आप स्मेल कर सकते हो फ्रेश स्मेल और उन सब की फ्रेश स्मेल जो है वो आप स्मेल कर सकते हो फील कर सकते हो हेयर कर सकते हो नेक्स्ट आई कैन फील मैं फील कर सकता हूँ द मोमेंट ऑन द ट्रेन द मोमेंट ऑन द ट्रेन मीन्स ट्रेन जो मूव कर रही है ना ट्रेन जो चल रही है उसके मोमेंट को भी मैं क्या कर सकता हूँ फील कर सकता हूँ ठीक है ना आप फील कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो नेक्स्ट है यूज़ दिस लाइन्स टू मेक रफ नोट्स एंड देन डू द टास्क इन योर नोटबुक यूज़ दिस लाइन्स टू मेक रफ नोट्स अब आपको क्या करना है जो भी आपने अबव पे जो भी आंसर आपने राइट किया है जो भी आपने हियर के स्मेल किया है फील किया है इनके बेसिस पे आप क्या करेंगे एक नोट्स बनाएंगे देन डू द टास्क इन योर नोटबुक एंड देन आपको ये टास्क जो है अपने नोटबुक में करनी है बट नो नीड टू डू इन नोटबुक आप इसको कहाँ कर सकते हैं अपने बुक में करेंगे बिकॉज देयर इज गिवन द स्पेस ओके स्टूडेंट्स सो यू हैव टू यूज दिस लाइन्स फॉर मेकिंग रफ नोट्स एंड देन You have to do it in your test book, in book. So I have written some more things which you can see, or hear, or smell, okay? During travel to the toy train Ooty. I can see sugar cane fields with tall sugar cane. I can see sugar cane fields with tall sugar cane plants means मैं क्या कर सकता हूँ कुछ sugar cane के fields भी देख सकता हूँ with tall sugar cane plant और कुछ sugar cane के plants भी देख सकता हूँ men and women are working on the field और men और women जो हैं वो क्या कर रहे हैं field में working कर रहे हैं okay children are running और जो children हैं वो running कर रहे हैं दौड़ कर रहे हैं ठीक है ना दौड़ रहे हैं about in the field में वो रनिंग कर रहे हैं और जो मेन वुमेन हैं वो वर्किंग कर रहे हैं फील्ड में ठीक है और आप और भी सेंटेंसेस में ऐड कर सकते हैं एज पर योर इमेजिन ठीक है अपने इमेजिन पे जैसे जैसे आप इमेजिन करेंगे मीन सपोज दैट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर सो वॉट एवर थिंग्स यू आर लुकिंग देयर फ्रॉम द विंडो से आप जो भी देख रहे हो उसको आप राइट कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ राइट किया है फ्रॉम द विंडो यहाँ राइट किया है फ्रॉम द ट्रेन विंडो आई कैन सी आई कैन हियर आई कैन स्मेल आई कैन फील ठीक है तो ऐसे आप राइट कर सकते हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स सो नाउ दिस चैप्टर एक्सरसाइजेस आर फाइनली कंप्लीटेड टुडे सो फ्रॉम टुमारो फ्रॉम द नेक्स्ट डे विल स्टार्ट टू रिवाइज अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच विल बी अबाउट योर पैंग्यूपिटन ठीक है ना पैंग्यूपिटन चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट डे से रिवाइज करेंगे एंड होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपने स्कूल एप्लीकेशन में आप लोग चेक कर सकते हैं ऑलरेडी उसमें सारे आपके प्रीवियस वीडियोज़ भी जो मैंने सेंड किए इंग्लिश के वो सब आपको वहाँ मिलेंगे और आप वहाँ से लेकर के अपने बुक को कंप्लीट कर लेंगे नोटबुक को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है चैप्टर फर्स्ट टू फोर ये सारे चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ठीक है तो सब लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए कंप्लीट कीजिए एंड ट्राई टू हैव द गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जाम ओके नाउ आई ऑल्सो विश फॉर यू ऑल टू गेट टू हैव वेरी गुड मार्क्स ओके इन योर एग्जाम्स ओके स्टूडेंट्स सो नाउ स्टार्ट टू डू एंड राइट डाउन दिस इन योर बुक में सब लोग कर लीजिए नाउ थैंक यू हैव अ गुड डे